नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का हर खबर हरियाणा में। मैं आपके साथ अस्मिता दुबे। वक्त हो चला है खबर है 10 का। खबरों की शुरुआत करते हैं जहां किसान दिल्ली की सीमाओं को छोड़कर जा चुके हैं और संयुक्त किसान मोर्चा ने आंदोलन को स्थगित कर दिया है, जिसके बाद दिल्ली पुलिस ने युद्ध स्तर पर बैरिकेडिंग हटाने का कार्य शुरू कर दिया है और ये उम्मीद लगाई जा रही है कि आज से देश की लाइफलाइन कही जाने वाले नेशनल हाईवे 44 से दिल्ली में वाहनों की आवाजाही शुरू हो जाएगी, जिसको लेकर हरियाणा के सोनीपत जिले के आला अधिकारी लगातार जांच पड़ताल कर रहे हैं और खुद जाकर दौरा कर रहे हैं। बता दें कि सोनीपत के उपायुक्त ललित सचाव सिवाज और पुलिस अधीक्षक राहुल शर्मा के अलावा जिला के आला अधिकारी मंगलवार को सोनीपत दिल्ली कुंडी बॉर्डर पर पहुंचे और वहां पर व्यवस्थाओं का उन्होंने जायजा लिया। बता दें सोनीपत के उपायुक्त ललित सिवाज ने जानकारी देते हुए बताया कि हमने नेशनल हाईवे 44 के सभी गड्ढों को भर दिया है और उम्मीद लगाई जा रही है कि कल से दिल्ली में वाहनों की आवाजाही शुरू हो जाएगी। उन्होंने कहा है कि प्रदूषण के चलते एनजीटी के कुछ कार्यों पर रोक लगा रखी है, जिसके चलते कई जगह से नेशनल हाईवे 44 को बनाना है। इसके लिए हम एनजीटी से और हाई कोर्ट से अनुमति ले रहे हैं। दिल्ली और हरियाणा के बॉर्डर पर खड़े हैं। यहाँ जो मेन बैरिकेडिंग थी वो सारी रिमूव कर दी गई है, छोटे मोटे स्ट्रक्चर्स थे वो डिसमेंटल कर दिए गए और हमारा पोर्ट होल्स का काम 95% से ज़्यादा कंप्लीट हो गया। अब हम 5% जो काम पेंडिंग है, छोटी मोटी ऑब्स्ट्रक्शंस हैं, उनको रिमूव आज रात को कर देंगे और सुबह स्मूथ ट्रैफिक स्टार्ट हो जाएगा, ऐसी हमें उम्मीद है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता लाजपत जुड़ चुके हैं लाइव। लाजपत, क्या कुछ स्थिति है, किस तरह से वहां पर व्यवस्था को सुचारू रूप से सही किया जा रहा है? बिल्कुल, देखिए जिला सोनीपत प्रशासन की तरफ से जरूर राहत भरी खबर है, क्योंकि जो हाईवे है जो 10 किलोमीटर का असियानों का जो ठिकाना था जो किसानों का, वो जरूर हटा दिया गया है और हाईवे को पूर्ण तरीके से चेक किया गया है। लेकिन अभी जो है दिल्ली की तरफ से बैरिकेड जो लगाए गए हैं अभी वो नहीं हटाए गए हैं। तो हमारी हर खबर हरियाणा की तरफ से लोगों से यही अपील है, जो चाहते हैं हमारे चैनल के उनसे यही अपील रहेगी कि अभी आप दिल्ली की तरफ नहीं जा सकते, क्योंकि अभी जो बैरिकेड है वो लगाए गए हैं। आज का समय जो पूरा दिन लग सकता है, पूर्ण तरीके से ट्रैफिक जो है वो कहीं ना कहीं शाम तक खुलेगी। लेकिन आप लोगों से यही अपील है, अगर आपको दिल्ली जाना है तो देश का सबसे बड़ा जो हाईवे है उस पर अभी आप सफर तय ना करें, क्योंकि आपको सफर तय करने में जाम की स्थिति सेंड करनी पड़ सकती है, काफी अभी दिक्कत है। अभी जो साइड में जो जगह है जहाँ पर गड्ढे हैं उनका भी काम जारी है, तो आप लोग जो है सफर तय ना करें, क्योंकि आप फंस सकते हैं। दिल्ली की तरफ जाने वाला जो सबसे बड़ा हाईवे है, जो 10 किलोमीटर का जो दायरा था जहाँ पर किसानों के आसियाने थे, उस रोड को पूर्ण तरीके से जो चेक किया गया है और उस रोड में जहाँ पर किसानों ने अपने आसियाने लगाए हुए थे वहां पर जो कीले गाड़ी गई थी या जो पाइप लगाए गए थे अपने आसियाने जो बनाए गए थे, वो टायर को फाड़ सकते हैं, आपको नुकसान हो सकता है, आपको हानि हो सकती है। इसलिए आप लोगों से अपील है कि आप अभी उस दायरे को जो 10 किलोमीटर का जो दायरा है जहाँ पर किसानों के आसियाने थे उसकी तरफ सफर तय ना करें, क्योंकि काफी हालात गंभीर भी बन सकते हैं, क्योंकि आपको पता है कि जब गाड़ी जब तेज दौड़ेगी तो टायर फट सकता है। तो आप लोगों से यही अपील है कि अभी आप दिल्ली की तरफ जो पुराने रास्ते हैं जैसे नरेला की तरफ से है या यूपी की तरफ से है, उन्हीं रास्तों को सफर तय करें, क्योंकि आपको पता है कि दिल्ली की दहलीज पर अभी जो है बैरिकेड लगाए गए हैं प्रशासन की तरफ से। अब दिल्ली की जो पहल कब हो पाएगी ये आने वाला वक्त बताएगा, क्योंकि हरियाणा की तरफ से पूर्ण तरीके से सफाई कर दी गई है, रोड जो पूर्ण तरीके से चालू हो चुका है। लेकिन आपको बता दें कि जो कुंडली औद्योगिक क्षेत्र है, फैक्ट्री एरिया है, वो बिल्कुल दिल्ली के नजदीक है और दिल्ली से आवागमन के लिए सबसे छोटा जो रास्ता है यही है। दिल्ली अभी दूर है, दिल्ली नजदीक नहीं है, क्योंकि आपको लाजपत जिस तरह से लगातार अब तैयारी की जा रही है, सड़कें खोली जा रही है, बॉर्डर खोले जा रहे हैं, गड्ढे वहां पर बने हुए, स्थिति और आला अधिकारी जो है लगातार पूरी स्थिति का जायजा लेने पहुंच रहे हैं, ऐसे में अभी जैसे कि आपके द्वारा कहा जा रहा है कि अभी फिलहाल आवाजाही वहां से नहीं होगी, आखिर कितना समय लग सकता है? कहीं ना कहीं बहुत युद्ध स्तर पर काम जरूर जारी है। हरियाणा की तरफ से तो वाहन चलते हुए भी नजर आ रहे हैं, लेकिन अभी दिल्ली की तरफ से दिखाई जो दे रहा है वो लगता है कहीं ना कहीं आज का दिन लग सकता है, देर शाम तक जरूर कहीं ना कहीं वाहन जो है पटड़ी पर आ सकते हैं, लेकिन अभी समय बाकी है। अगर देर शाम को आएंगे तो आपको पता है कि दिल्ली से जो आवागमन होगा, ट्रैफिक ज्यादा आ जाएगा, तो जाम की स्थिति जरूर बनेगी। इसीलिए हम लोगों से अपील करते हैं कि जो पुराने रास्ते हैं नरेला की तरफ से है
या यूपी की तरफ से है, जो पहले से सफर तय करते थे उन्हीं सफरों को अगर आप तय करेंगे तो आपको जो दिक्कत का सामना ना करना पड़ेगा, क्योंकि एकदम से जो ट्रैफिक आएगा तो जाम की स्थिति बन सकती है। एनएचआई जो है उस पर पूरा ध्यान दे रही है, प्रशासन पूरा ध्यान दे रही है, लेकिन जो लोग जो ट्रैफिक का नियम नहीं पालन करते, एक दूसरे से गाड़ी आगे रखते हैं, फंसा लेते हैं, फिर वो जाम लग जाता है जिसके कारण काफी लंबी दिक्कत होती है। इसीलिए लोगों से यही अपील है, अगर आपको जाना भी है तो लाइन से चलेंगे तो जाम नहीं लगेगा और लगातार आपकी गाड़ियां आराम से निकल पाएंगी। इसलिए प्रशासन कहीं ना कहीं मुखदई जरूर है और प्रशासन की जो पैनी नजर जरूर है, लेकिन लोग जो है ट्रैफिक के जो एक दूसरे से गाड़ी आगे भगाकर जो लगा देते हैं जिससे जाम की स्थिति बन जाती है। और देश का सबसे बड़ा हाईवे है दिल्ली के, जो है दिल्ली से पाकिस्तान तक जाने वाला हाईवे है जो 44, उस पर अभी जो एनजीटी के जो आदेश भी है कि काम अभी नहीं हो सकता, लेकिन आपको बता दें कि दिल्ली से जब निकल कर और पानीपत तक का जो रास्ता है वो कहीं ना कहीं जो है 10 किलोमीटर का जो दायरा था, जहां पर अभी एनजीटी के आदेशों की वजह से काम रुका हुआ है, किसानों की वजह से काम रुका हुआ है, जिस पर अभी काम भी जरूरी है, जो काम होना है करीब 1 साल जरूर लग सकता है। अगर पूर्ण तरीके से आपको अगर दिल्ली जाने वाला और रास्ते की बता दें तो अभी 1 साल लग सकता है, क्योंकि अभी इस पर काम भी बाकी है, जो काम होना है, जो फ्लाईओवर बनने हैं या दिल्ली के लिए जो सफर तय करना है, रोड को चौड़ीकरण का काम है, अनेक तरह की सब अभी समस्या है। साल भर इस रोड को पूर्ण तरीके से जो पटड़ी की कहें तो साल भर लग सकता है, लेकिन दो लाइन जो है जो बिल्कुल, तो अभी आवाजाही के लिए अभी पूरी तरह से अनुमति नहीं है, क्योंकि आला अधिकारी हैं वो अपने युद्ध स्तर पर कार्य किए जा रहे हैं, लगातार जांच कर रहे हैं और जो बैरिकेडिंग्स है उसको हटाने की पूरी कोशिश की जा रही है, और इसी के साथ ही 7 लेयर की बैरिकेडिंग्स कर दी गई थी उसको हटाया जा रहा है। और बहुत बहुत शुक्रिया लाजपत तमाम जानकारी के लिए, और तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां सड़कों पे गड्ढे हैं उनको गड्ढों को दुरुस्त करने की कोशिश की जा रही है। हालांकि अभी प्रदूषण के चलते एनजीटी के कार्यों के रोक लगा हुआ है और ऐसे में अब सुप्रीम कोर्ट से अनुमति ली जा रही है। आला अधिकारियों द्वारा लगातार कहा जा रहा है कि जो जिस तरह से सड़कों की जो स्थिति है उसको दुरुस्त कर जल्द से जल्द उसको आवाजाही के लिए सुचारू रूप से शुरू करने की कोशिश की जा रही है।